नमस्कार, मैं सलोनी नांगे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। नागपुर के राणा प्रताप नगर में रहने वाले मनीष मेश्राम के साथ फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड एक्यूएम एडवाइजरी एंड कंसल्टेंट लिमिटेड कंपनी, जो मूल बालेश्वर उड़ीसा की है, उसने किया है। इस कंपनी के मार्केटिंग एजेंट ने मनीष मेश्राम से कहा था कि हर महीने जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उसका 3% प्रॉफिट उनको मिलेगा। पहली बार जब उन्होंने 10,000 रुपए लगाए तो बराबर प्रॉफिट मिला और उनका विश्वास इस कंपनी पे बैठ गया। इसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदार और दोस्तों को इसके बारे में बताया और सबने कुल मिलाकर 40,85,000 रुपए इन्वेस्ट किए। पहले कुछ देर उनको 3% प्रॉफिट दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें प्रॉफिट मिलना बंद हो गया और मार्केटिंग एजेंट्स भी गायब हो गए। तब मनीष मेश्राम ने गणेशपेट पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कंपनी के मालिक तारिक कादरी और उनकी पत्नी बेगम गुलाबो सहित 7 से 8 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी। गणेशपेट पुलिस स्टेशन में मनीष हरिदास मेश्राम, ये राणा प्रताप नगर के हद में रहने वाले एक नागरिक हैं। उन्होंने एक अर्जी दिया था, उनकी जो चीटिंग हुई इस हिसाब से उन्होंने अर्जी दिया था। तो अर्जी के इंक्वायरी में ये पता चला कि एफवीएम एडवाइजरी एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जो ये फ्रॉडुलेंट जो एक्यूज्ड है, इन लोगों ने ये कंपनी फॉर्म की थी। ये जो उड़ीसा की कंपनी है, ऐसा उनको बालेश्वर उड़ीसा की कंपनी है और उसका ऑफिस गणेशपेट में है। और इसका मार्केटिंग करने वाले कोई 4-5 लोग हैं। इन लोगों ने इनको कांटेक्ट किया था और उनको बताया कि आपको हर माह 3% आपको उसका परतावा मिलेगा। आपके इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर आपको 3% आपको हर महीने को मिल जाएगा। तो इस स्कीम को उन्होंने सुनने के बाद 10,000 रुपये उन्होंने पहले उधर लगाए तो उनको पैसे मिले। एक महीने के बाद 3% का उनको ब्याज मिला। तो उनका उनके ऊपर विश्वास बैठने के बाद उन्होंने अपने रिलेटिव और सब लोगों के तरफ से 6,00,000 रुपये सबके मिला के लगाए और बाकी उनके परिचित और आजू बाजू के जो नागरिक हैं उन लोगों ने भी कुल मिला के 40,85,000 का इन्वेस्टमेंट इन कंपनी में किया था। अभी तक के हमारे जो हमें मिला है मालूम, उस हिसाब से 40,85,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। तो शुरू में उन्होंने 3% का परतावा दिया, लेकिन बाद में ये सब लोग कोरोना का रीज़न देके या और कोई रीज़न देके वो टालते रहे और बाद में पैसा देना बंद कर दिया और सब ये भाग के गए। इन्होंने ऐसे इस तरह से इन लोगों की चीटिंग की है। तो इस एप्लीकेशन इंक्वायरी में हमने ये गुना दाखिल कर दिया है। इसमें हमने इस कंपनी के जो मालिक, जो कंपनी चलाने वाले मालिक जो है, ये इस कंपनी के जो मालिक है उनका नाम है तारिक कादरी और उनकी पत्नी है बेगम गुलाबो, और उधर काम करने वाले दुमदेव चेहरागड़े, प्रकाश कामले और बहुत सारे ये 7-8 लोग जो है, इन लोगों के खिलाफ हमने मामला दर्ज करके 409-420 चीटिंग का केस हमने दाखिल किया है। और इस केस की इंक्वायरी, इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर राठौड़ कर रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी आरोपियों को कस्टडी में लेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन, आगे की तहकीकात में और किसकी चीटिंग हुई है ये उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। और इस मामले के तहत मुझे एक बात लोगों से, सब हमारे आम नागरिक को आह्वान करना है, ये जो शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा परतावा देने का जो बहाना बना के आपको ठगा जा रहा है, तो इस बहकावे में मत आइए। ऐसे कोई आपके पास स्कीम लेके आता है पर्सनली या सोशल मीडिया से या कौन से भी प्लेटफॉर्म से, आपको अगर कम इन्वेस्टमेंट, कम पीरियड में आपको ज़्यादा परतावा देने का कोई बोल रहा है, तो ये चीटिंग होती है। और ऐसे बहुत सारे मामले सामने उजागर हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम भी हो रहा है, तो उसमें भी यही शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा पैसे कमाने का लालच दिखा के ठगी हो रही है। तो सब नागरिकों को मैं नागपुर पुलिस और गणेशपेट पुलिस स्टेशन की वजह जानिब से आपको एक आह्वान करता हूँ कि आप इससे सावधान रहिए और अपनी खुद की ठगी होने से बचिए।